नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। दोस्तों, आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारे अडल्ट, बहुत सारे नौजवान इंसोम्निया या फिर नींद आने की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल पे, उनके नेचर पे बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ता है। और उस बीमारी को ठीक करने के लिए आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन के बारे में, या फिर यूँ कहे होम्योपैथी की कुछ पॉपुलर मेडिसिन जो इंसोम्निया की बीमारी के लिए यूज की जा सकती हैं। दोस्तों, बात करते हैं होम्योपैथी में इंसोम्निया के लिए यूज की जाने वाली सबसे पहली मेडिसिन पैसिफ्लोरा के बारे में। दोस्तों, पैसिफ्लोरा जो मेडिसिन है वो इंसोम्निया की बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुई है। अगर आपके अंदर कोई टेंशन की वजह से या फिर मेंटली स्ट्रेस की वजह से या फिर आपको इंसोम्निया की बीमारी फिजिकली फटीग की वजह से है, तो उस वजह से आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। पैसिफ्लोरा को आप मदर टिंक्चर फॉर्म में ले सकते हैं। आपको दिन में दो बार सुबह शाम या फिर दिन में एक बार, अगर आपकी क्रोनिक बीमारी है, बहुत ही ज़्यादा टाइम से अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जो मेडिसिन है वो है कॉफिया क्रूड़ा। कॉफिया क्रूड़ा दोस्तों, अगर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा रेसिंग थॉट्स आते हैं या फिर आपका माइंड जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला है, हरदम कुछ न कुछ माइंड में चलते रहता है, इसकी वजह से अगर आपको नींद नहीं आती है, तो वहाँ पे आप कॉफिया क्रूड़ा मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसको भी आप मदर टिंक्चर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। 8 से 10 बूंद रोज की लेनी होती है। दोस्तों, तीसरी मेडिसिन जो होती है वो होती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका दोस्तों, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा खा लिया है, ओवर ईटिंग की वजह से आपका ब्लॉटिंग एब्डोमन है या फिर आपके गैसियस एब्डोमन हो गया है, या फिर आपने बहुत ही ज़्यादा कुछ स्टिमुलेंट कंज्यूप्शन कर लिया है, जैसे कैफीन का हो गया, ओपियम का हो गया, या फिर कोई ड्रग्स का आपने कंज्यूप्शन कर लिया है जो बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेंट है और जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, ऐसी कंडीशन में नक्स वोमिका 200 पोटेंशियल का आपको लेना चाहिए। यह आपके नींद के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। अब दोस्तों, चौथी मेडिसिन है इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया अमारा भी वेल नोन मेडिसिन है इंसोम्निया के लिए, नींद आने की बीमारी के लिए। अगर दोस्तों आपके माइंड में इमोशंस हैं या फिर कुछ ग्रीफ है, एंजाइटी है, डर है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इग्नेशिया अमारा मेडिसिन लेनी चाहिए। 200 पोटेंशियल में लेनी चाहिए। दिन में एक बार सुबह सुबह 3 से 4 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में आप ले, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, आगे की लास्ट मेडिसिन जो हम बात करेंगे इंसोम्निया के लिए वो है कैलियम फॉस्फोरिकम। दोस्तों, कैलियम फॉस्फोरिकम एक बहुत ही अच्छी नर्व टॉनिक है, बहुत ही अच्छी नर्व के लिए काम करने वाली मेडिसिन होम्योपैथी में मानी जाती है। अगर आपके मेंटली फटीगनेस हैं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से मेंटली फटीगनेस आ गई है, न्यूरोलॉजिकल या नर्विकल फटीगनेस आ गई है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में कैलियम फॉस्फोरिकम बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही उपयोगी आपके लिए साबित हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो हमने आज 5 मेडिसिन इंसोम्निया के लिए या फिर नींद आने की बीमारी के लिए डिस्कस की है होम्योपैथी की, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही कम समय में, ब्रीफ में आपको जानकारी दे दी है। दोस्तों, अगर इंसोम्निया की या फिर नींद आने की बीमारी है आपके आसपास में या रिलेटिव में है, तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कोई भी मेडिसिन बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। आपके आसपास में या आपका कोई फैमिली होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर है, उससे सलाह लेकर ही आप मेडिसिन यूज करें, कई बार इसके प्रतिकूल असर हो सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, सब बाय।